ये भैया भैया दिखाना दिखाना एक बार, मोदी जी को दिखाना। ये मोदी जी के हैं भैया, ये वाह, ये राम जी के देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। वाह, अयोध्या दिन पर दिन ना बेहतर से बेहतरीन बनती जा रही है। तो ठंडा पानी है और वे तो पैर ही सुन लो रहे मम्मी। जय श्री राम। स्वागत है मित्रों, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। मैं हूँ शिक्षा और आज है हमारा थर्ड एपिसोड अयोध्या में। अगर मेरे दो एपिसोड पहले वाले नहीं देखे ना तो जल्दी से जाके पहले वो देखो, फिर बाद में ये वाला एपिसोड देखना, क्योंकि उसमें मैंने राम मंदिर को भी बहुत अच्छे से दिखाया है पास से जाके। तो अयोध्या में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैंने उस वीडियो में बताई हैं, तो पहले वो वाला देख लो। तो आज है फाइनल डे और मैं बस निकल चुकी हूँ बस स्टेशन जाने के लिए। बट उससे पहले जो जो चीज़ें बाकी रह गई हैं ना हम लोग को घूमने के लिए, तो वो घूमेंगे। बाकी रह गया राम की पैड़ी, कनक भवन। जब हम लोग कल कनक भवन गए थे ना तो वो बंद हो चुका था, तो हम लोग आज जाएंगे दोबारा से देखने के लिए। ये जो मार्ग है कहाँ से आता है सीधा? ये नया घाट से आता है। ये नया घाट से आता है, जो नया घाट से सीधा मार्ग है ना, जो हनुमानगढ़ी मंदिर जहाँ पे है वो है रामपथ। और धर्मपथ कहाँ पे है भैया? धर्मपथ जिसके पीछे आप जाएंगे, बाईपास हो रहा है, ये हरिद्वारी बाजार से सीधे राम जन्मभूमि का भक्ति पथ है। जो राम जन्मभूमि का रास्ता है ना वो है भक्ति पथ। और धर्मपथ कौन सा है? बाईपास। हाँ, लता मंगेशकर से जो बाईपास है ना, जहाँ पे वो सूर्य स्तंभ दिखाए थे ना, वो पूरा धर्मपथ है भाई। मतलब वो बहुत ही प्यारा है। जो अयोध्या की एंट्रेंस है ना वो बहुत ही अच्छी है। तो चलो आज हम लोग दिन में देखेंगे वो एंट्रेंस कितनी खूबसूरत है, और आसपास के नज़ारे भी आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे वहाँ के बहुत ही खूबसूरती से उसको डिज़ाइन करा गया है। तब तक हम लोग चलते हैं सीधा रामपथ पे और देखते हैं आगे हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। तो अभी मैं जा रही हूँ राम पथ पे सीधे, और ये जो सारा एक ही रंग से पूरा डिज़ाइन करा गया है अयोध्या को, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे लगता है जो भी चीज़ लगती है यहाँ पे। तो अयोध्या में ना हज़ारों मंदिर होंगे कम से कम। आप गली में निकलेंगे, हर एक घर छोड़ के एक मंदिर आपको ज़रूर मिलेगा, दशरथ जी का और राम जी का, सीता मैया का। और आज तो मैं जाने वाली हूँ कनक भवन, जो मुझे मतलब स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था, क्योंकि वो एक ज़माने में पूरा सोने का था, जो कैकेयी माता ने दिया था सीता जी, सब जब सीता जी की शादी हुई थी ना तो वो उनको मुँह दिखाई में मिला था पूरा कनक भवन। ABP न्यूज़ के रिपोर्टर यहाँ पे हैं, ये उनका कैमरा रखा हुआ है, ये देखो वाह, ABP न्यूज़ की गाड़ी। इतने सारे न्यूज़ एंकर्स मिल जाएंगे ना देखने को, सब कोई मतलब यहीं पे अपना न्यूज़ कवर करने के लिए आ रहा है, और मैं भी अपनी न्यूज़ यहीं पे कवर कर रही हूँ। ये है देखो लता मंगेशकर चौक, जो मैंने कल दिखाया था आप लोगों को। तो इधर से सीधे जाएंगे तो सरयू घाट और राम की पैड़ी सब वहीं पे है। तो चलो आओ देखते हैं, सरयू घाट के दर्शन आज दिन में करते हैं। ये है राम की पैड़ी और ये है हमारी सरयू मैया, और देखो भाई यहाँ पे स्नान भी करते हैं। और वाओ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई ऐसे चार तो कोई बनाओ यार, सबको फॉलो। भाई सब कुछ एकदम नया नया सा ऐसा लग रहा है, मतलब राम की पैड़ी तो बहुत पुरानी है, बस यहाँ पे जो है सब ना सारी चीज़ों को रेनोवेट करा गया है। ये घाट भी आई थिंक रेनोवेट करा गया होगा, जितना भी ये सब कलर वगैरह ये अभी हुआ है थोड़े दिन पहले ही आई थिंक। ये देखो सॉक्स उतार के पहले तो सरजू जी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद में यार मेरे को मतलब पानी देख के इतना अच्छा क्यों लगने लगता है, नदी देख के मेरे को खुद ही नहीं पता है। जय मैया, रुको बहुत ठंडा है पानी, बहुत ठंडा है यार सच्ची में। जय सरयू माता, जय राम जी, मैं पवित्र हो गई क्या यार? ऐसा लग रहा है ना फ्रीज का पानी निकाल के किसी ने इसमें डाल दिया, इतना ठंडा पानी, मैं तो पैर ही नहीं, दो मिनट इसमें पैर नहीं रख सकती मैं तो अपने। ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि मैं यहीं पे छोटे सा अपना कुछ बसा के बस जाऊँ यहीं पे, ऐसा लग रहा है मेरे को। इतनी धार्मिक और पवित्र जगह है, मतलब यहाँ से कैसे ही जाने का मन करेगा यार। बैठती हूँ थोड़ी देर, विश्राम करती हूँ, आराम करती हूँ। और इनका चिल्ला की मैम के कान बंद हो गए भाई हमारे ना जो यूथ है ना उसमें बहुत पावर है। यूथ जब एक साथ जय श्री राम चिल्ला के बोलेगा ना
तो सब कहीं पूरी गूंज मच जाएगी। एक साथ जय श्री राम बोलोगे सबके एक एक लाख फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो आप सब लोग व्लॉगिंग करते हैं ना, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई यूट्यूब पे, और सब लोग अयोध्या में है इस वक्त, और बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे जो इस वक्त अयोध्या में ही है एक्चुअली ना। तो सब लोग यहाँ पे राम की पैड़ी पर आए हैं, और आप लोग कब तक रुक रहे हो यहाँ पे? 24 तारीख तक। तो आप लोग मतलब अपने अपने फ्रेंड्स के घर पे रुके हो? नहीं, हम लोग को रहने, हम लोग को मिला है रहने के लिए। यूपी कल्चर डिपार्टमेंट है, मुझे तो कुछ नहीं मिला है। चलिए, हर एक सबका अपना, कहते ना कि शाम के बाद सुबह होती, तो आपका भी जल्दी टाइम आ गया जब आपके विगले में इसी तरीके से कोई ना कोई कार्ड होगा। सही में आप लोगों को निमंत्रण मिला था? आप सबको निमंत्रण नहीं मिला? अच्छा अच्छा, मतलब पास है मिला है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, मीडिया स्वयं सेवक, चलिए अच्छी बात है, कोशिश करेंगे कि एक दिन हमें भी मिले। अच्छा लगा भैया सबसे मिलके, आप लोगों से मिलके, ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम। यहाँ से कोई मीडिया से आए और देखो भाई भीड़ देखो, सब पूछताछ, सब बातचीत चल रही है अंदर। मैंने कल बहुत ढूंढा कि चोखा बाटी मिल जाए, मैं खा लूँ, बट नहीं मिली यार। मैंने आते वक्त ही एक बार चोखा बाटी खाई थी जब मैं अयोध्या में आई थी, इतनी टेस्टी कि क्या बताऊँ। और अयोध्या में ना चोखा बाटी बहुत फेमस है यार, तो आ रहे होगा तो एक बार चोखा बाटी ज़रूर खाना। सूर्य स्तंभ के हर एक स्तंभ पर लिखा है जय श्री राम। वाओ, ये है धर्म पथ, जो सीधा एंट्री के वक्त आते ना अंदर आते, तो ये धर्म पथ है पूरा। ये देखो, ये हम लोग उस दिन आए थे ना, तो ये लगा नहीं था कुछ, पेड़ वगैरह पौधे वगैरह सारे गड्ढे खोद खोद के पौधे लगा दिए। बहुत अच्छे से अयोध्या को पुनर्निर्मित किया जा रहा है, उसका पुनर्निर्माण हो रहा है, और भाई मतलब रेनोवेशन बोलते हैं। ये देखो, यहीं से मोदी जी की एंट्री होगी, इसी गेट से सीधा अंदर को। तो यहाँ के जो ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, जो सारी जिम्मेदारी संभालता है, वो टाइम टाइम पे चेक करते रहते हैं कि मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है कि नहीं, तो हमेशा यहाँ पे एग्जामिन करने आते रहते हैं। उस दिन देखा था तो शायद मैजिस्ट्रेट आई थी, शायद वो IAS थी। ये देखो भी पौधे लगा ही रहे हैं यहाँ पे, और वो पीछे लग भी चुके हैं थोड़े बहुत। यहाँ की ना हर एक चीज़ यूनिक है। ये देखो जो लाइट है ना, इसके ऊपर देखो ये धनुष बना हुआ है ना, और इतनी अच्छी डिज़ाइन बनी है। हर लाइट देखो कितनी सुंदर रोड लग रही है यार, हर लाइट के ऊपर ऐसा ही बना हुआ है। वाओ, ये डलिया जैसा स्ट्रक्चर है ना, तो इसी के अंदर एक लाइट लगा के, और देखो ये जैसे पेड़ में टंगे हुए हैं ना, ये पेड़ में लटके हुए हैं ना, ये ऐसे ही बनाए गए हैं यार। मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं ये, जब रात में जलते हैं ना ये लाइट्स, तो इतने अच्छे लगते हैं कि तो देखते ही बनता है इनको। ये देखो, तो भैया ये आपने कहाँ से बताया था, ये कहाँ से आए हैं? ये लगाने वाले बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। ये है चोखा बाटी की दुकान, जहाँ की चोखा बाटी मुझे बहुत पसंद है। और वो देखो रिपोर्टर लोग, भैया लोग हैं, वो भी सब लोग खा रहे हैं चोखा बाटी बैठ के। और मैं यार कल से परेशान थी कि मुझे चोखा बाटी खाने को मिल जाए, मैं खा लूँ, तो वक्त मैं खा रही हूँ चोखा बाटी। OMG, चोखा बाटी इज रॉकिंग हियर। वाह, इधर आके खाते बैठ के मस्त। ये देखो फ्लावर्स, अभी अभी प्लांट करे गए हैं, आज ही मुझे लगता है प्लांट करे गए हैं। धूप कितनी अच्छी निकली है ना, तो यार चोखा बाटी खा के तो से मज़ा ही आ गया एकदम। मतलब आए हो ना तो एक बार चोखा बाटी ज़रूर ट्राई करना यार, इतनी अच्छी, खाने में इतनी टेस्टी। मेरे को इतनी भूख लगी थी, मैंने 3 प्लेट चोखा बाटी खा गई यार मैं। ये देखो सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, बट 23 तक ना सब बंद है, यहाँ पे कुछ भी नहीं खुला रहेगा, सब बंद हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी आएंगे तो भीड़ वगैरह ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इस वजह से सब बंद रहेगा। तो ना ये यहाँ पे साउंड लगाए हैं, यहाँ पे देख नहीं रहेगा बट ये साउंड लगा हुआ है, वैसे ना राम भक्ति के गाने बजते रहते हैं। ये देखो साउंड लगा हुआ है यहाँ पे, खंभों पे लगा है, लाइट वाले खंभों पे, तो यहाँ पे सारे राम भक्ति के गाने बजते रहते हैं हमेशा। और देखो ये जो दीवारें खाली पड़ी है ना, ये सारी इन पे ना जो रामायण से चित्र लिए जाएंगे वो यहाँ पे लगाए जाएंगे सारे, मतलब इनको पेंट करते हैं हाथों से जैसे भी करते हो, बट यहाँ पे ये सब लगाते हैं। एक देखो पीछे बना भी है, अभी आगे दिखाऊंगी। तो आज है 17 डेट जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, और शायद 22 तक ये एकदम सब कंप्लीट होके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा एकदम। तो आप जब आओगे कभी 22-23 के बाद में, तो आप देखोगे कि अयोध्या का नक्शा और ज़्यादा बेहतर हो गया होगा आज से, क्योंकि आज तो सारा काम चल रहा है अभी तक, तब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा यार। वंडरफुल, ये बस हम लोग प्रवेश द्वार तक पहुँच ही गए हैं, कितना अच्छा लग रहा है।
देखो वो वॉल पे डिज़ाइंस बने हैं ना, ऐसे ही सारे वॉल्स पे बनेंगे, एक ये वॉल है, एक ये वॉल है, तो रास्ते में इधर साइड भी बहुत सारे वॉल बनाए गए हैं। ये देखो रास्ते में भी बहुत सारी दीवारें हैं, इन पे सब पे डिज़ाइन बनेगी। अभी हम लोग आ चुके हैं देखो सूर्य रथ द्वार पे, ये देखो ये सामने दिख रहा है ना, बस यहीं से अयोध्या में एंट्री करते हैं। ये देख लो पीछे हम लोग बहुत सारा रास्ता तय करके आ चुके हैं, और बस अब हम लोग अयोध्या को अलविदा बोलेंगे और अपने घर जाएंगे। उसके पहले ये सारे खंभों पे लगेंगे ना भैया, अच्छा ये राम जी के हैं और मोदी जी के भी है ना कुछ, मोदी भगवान जी की तो ये सारे खंभों पे, ये जो पोल है ना इन पे सब पे लगेंगे, तो ये जो जितने भी यहाँ पे पोस्टर्स है ना, ये राम जी के देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना भैया। भैया दिखाना दिखाना एक बार, मोदी जी को दिखाना, ये मोदी जी के हैं भैया। ये कहाँ लगने वाले हैं, यहाँ पे या ये खंभों पे, कहाँ पे, खंभों पे ना, ये खंभों पे लगेंगे। वाओ देखो मस्त घोड़ा भाई। हम लोग निकल आए अयोध्या से बाहर और अब हम लोग जा रहे हैं बस पकड़ने, क्योंकि पास में ही बाईपास है। देखो ये बाईपास है अयोध्या बाईपास, और यहाँ से जैसे ही आप लोग यहीं पे सारी बसें रुकती हैं, देखो एक रोडवेज बस भी खड़ी है। तो अयोध्या के अपने सफ़र को यहीं पे समाप्त करेंगे इस बस पे बैठ के, और बाय बाय अयोध्या, आएंगे थोड़े दिन बाद और, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं रहता है आपसे। रामलला की भूमि से 100 या 150 किलोमीटर दूर ही मेरा घर है, तो मैं तो जब मर्जी हो, जब भगवान से मिलना हो, उन्हें देखना हो, मैं तुरंत तुरंत आ सकती हूँ यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।